हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो हम बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो गाइस, हिंदुस्तान के अंदर अब भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। वो ये है कि 59 चाइनीज ऐप को जो है यहाँ पे भारत सरकार ने बैन कर दिया है। अब ये हिंदुस्तान के अंदर नहीं ऑपरेट कर पाएंगे और गूगल के प्ले स्टोर से या फिर एप्पल के प्ले स्टोर से जो है ये रिमूव कर दी गई है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है और इसके ऊपर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे कंट्री टू कंट्री जो बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसका एक सबसे बड़ा रीजन बना है ये। लेकिन कहीं ना कहीं गाइस, हमें एक चीज तो यहां पे सीख लेने की ये बात है कि हमने बाहर की दूसरी कंट्रीज की हम एप्स को जो है इतनी मेहनत करते हैं उनके ऊपर, अपने टैलेंट को इतना ज्यादा लेके जाते हैं और उनके एप्स को जो है हम कहीं की कहीं पहुंचा दे रहे हैं। और गाइस, कहीं ना कहीं हमारी इन मेहनत के पीछे जो सक्सेस मिल रही है, जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, वो रेवेन्यू जो है उन कंपनीज का जब बन रहा है जो कि हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करती हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं जो है हम भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। आई नो कि हम लोग ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन क्या हम हिंदुस्तानी इतने भी टैलेंटेड नहीं है? क्या कोई ऐसी ऐप हम लोग डिजाइन नहीं कर सकते कि बहुत सिंपल सी एप्स ये थी लेकिन बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने फेमस कर दिया इसको? क्या हम हिंदुस्तान के अंदर ऐसी एप्स डिजाइन करके और जो है उसके ऊपर मेहनत कर नहीं कर सकते क्या? क्या हम अपने जो हिंदुस्तान की जो एप्लीकेशंस है क्या हम उनको ट्रस्ट वर्दी नहीं मान सकते क्या? क्या हम उनको आगे फेमस नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली हमें उस पर करना चाहिए। इससे दो बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि हमें जो हमारा टैलेंट है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमने जो मेहनत करी है अभी दूसरी एप्स के दूसरी कंट्री के एप्स के ऊपर वो हमारी कहीं ना कहीं व्यर्थ हो रही है। लेकिन अगर हम यही मेहनत अपने हिंदुस्तान की एप्स वगैरह पे करेंगे तो यहां पर हमारा जो टैलेंट है वो तो बरकरार रहेगा, हमें जो मेहनत करी है वो भी बरकरार रहेगी और साथ ही साथ हमारी कंट्री जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है आगे हम अपनी कंट्री को लेकर जाएंगे। सो गाइज, यहां पर जो है कौन कौन सी ऐसी चाइनीज ऐप हैं जो है भारत सरकार ने बैन करी है, इन 59 ऐप्स की जो लिस्ट है वो मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है ताकि अगर आपके मोबाइल के अंदर भी अवेलेबल है तो जल्दी से जाकर उसको अनइंस्टॉल कर दें और ताकि हम जो है और एक नई दिशा की ओर बढ़ सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, हिंदुस्तान की जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर मेहनत करें, अपने कंट्री को आगे बढ़ाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। बहुत लोगों का सवाल है कि क्या पबजी भी बैन कर दी गई है? क्या पबजी भी चाइना की ऐप गेम है? तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पबजी गेम है ये डेफिनेटली चाइना से तो स्टार्ट नहीं हुई थी। इसका जो मेन जो पब्लिशिंग है वो साउथ कोरिया से किया गया था, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको एक्सपेंड करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे एक चाइनीज कंपनी जो है अभी इसको टेक ओवर करके जो एंड्रॉयड बेसिस पे पूरा आगे बढ़ा रही है। और उसके बेस के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये गेम भी जो है वो चाइना की ही है। तो अभी तक तो भारत सरकार ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया है इस पबजी को लेके इसको बैन करने का, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर जो है इसको भी बैन कर दिया जाए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि क्या अब भी हम जो है किसी दूसरे कंट्रीज के जो है एप्स हैं उन्हीं के ऊपर बढ़ेंगे या हम अपने हिंदुस्तान की नई एप्स बना के आत्मनिर्भर हिंदुस्तान को बना के आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, अपनी कंट्री को भी आगे बढ़ाएंगे और खुद को भी आगे बढ़ाएंगे? तो ये सोचना आपको है, डिसीजन हम आपको लेना है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं जो है हम अपने टैलेंट को अपने भारत के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमें यहां पे जो है कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान को हम पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है नंबर वन बना सकते हैं। तो गाइज, आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो अंत तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज good to others।